आज की रेसिपी शेयर करते हैं आप लोगों के साथ में पनीर ककड़ी एंड ग्रेप्स की सब्जी, जो कि अभी लंबी वाली ककड़ी है और सीजन है ककड़ी का और ग्रेप्स का, और पनीर के साथ में बहुत ही प्यारी लगती है खाने में, बहुत ही जरूर ट्राई करना। और हमारी रेसिपी अगर अच्छी लगती है तो आप लोग लाइक जरूर कर देना। तो सबसे पहले हमने रेड ग्रेवी ली है जिसके आप लोगों को लिंक दे देंगे, और पनीर और ककड़ी जिसको हमने काट के रखी है ये देखिए, और ऑनियन चॉप, टमाटो चॉप, कोरिएंडर, क्रीम, घर की मलाई है ये, और चॉप गार्लिक, चॉप चिल्ली, थोड़ा सा ग्रेट पनीर जो हमने पनीर ग्रेट कर लिया थोड़ा सा ग्रेट करके डालते हैं, और कोरिएंडर पाउडर, जीरा, चाट मसाला, किचन सॉरी रेड चिल्ली पाउडर और किचन किंग मसाला और कश्मीरी चिल्ली चिल्ली और सॉल्ट, किचन किंग मसाला और थोड़ी सी किशमिश गला के रखी, काफी अच्छी लगती है, और ग्रेप्स। 2 टेबल स्पून हमें तेल लगेगा, और आप लोग कोई भी ऑयल ले सकते हैं। 2 टेबल स्पून ऑयल डाला हमने, और जीरा डालेंगे, गार्लिक डालेंगे, और हमने 1/2 टीस्पून गार्लिक, 1 टीस्पून भी ले सकते हैं आप, हम 4 से 5 लोगों के लिए बना रहे हैं। और जीरा डालेंगे 1 टीस्पून, ब्राउन हो गया गार्लिक, हम ऑनियन डाल देंगे, और ऑनियन जो हमने ली है 3 टेबल स्पून ली है, करीब हमने 100 ग्राम ऑनियन ली है, चॉप ऑनियन, और इसको ब्राउन करेंगे। और जैसे आपको बताया कि चॉप मसाला की तरह ही पकाएंगे हम इसके लिए, जो ग्रीन चिली रखी है 1 टीस्पून, हमने 1 चिली चॉप करी थी, और 1 टीस्पून हम ग्रीन चिली चॉप कर डालेंगे, और टमाटो डालेंगे, और टमाटो भी उतने हमने चॉप करा, करीब 100 ग्राम टमाटो है, और देखिए 3 टीस्पून चॉप टमाटो डाला हमने। और चलिए हम कश्मीरी मिर्ची डाल देंगे इसमें 1/2 टीस्पून, और थोड़ी सी हल्दी 1/2 टीस्पून, और ये हमारा तैयार चॉप मसाला तैयार रेडी। और चलिए अब हम इसमें रेड चिल्ली पाउडर 1/2 टीस्पून, गरम मसाला 1/2 टीस्पून का 1/2 टीस्पून, और पाउडर 1/2 टीस्पून, किचन किंग मसाला 1/2 टीस्पून, और 1 टीस्पून सॉल्ट, और ये रेडी। अब थोड़ा सा पानी डालेंगे, और इसमें अगर आपको मसाला ज्यादा है तो निकाल के रख लीजिए और दूसरी सब्जी में काम में ले लीजिए। और मसाला हमारा कंप्लीट, चलिए हम ककड़ी डाल देते हैं। ककड़ी को सबसे पहले ककड़ी को पकाना है, अगर आपकी ककड़ी नहीं पकेगी तो ककड़ी को सबसे पहले डाल के, और कम से कम 5 मिनट इसको ढक के अच्छे से पकाना है ककड़ी के लिए, और इसको हम ढक देते हैं ककड़ी के लिए, 5 मिनट पकने देंगे अच्छे से, और उसके बाद में फिर आप लोग दिखाते। और चलिए हमारी ककड़ी जो पक चुकी है, और इसमें हम अंगूर डाल देते हैं, और हमने अंगूर डाल दिए, और जो हमने ग्रेवी रखी थी करीब हमने ग्रेवी ली है इसमें, और 200 ग्राम ग्रेवी डालेंगे, और एक ग्रेवी डाल दी, और ग्रेवी डाली 200 ग्राम हमने इसमें, और आप लोग चूंकि हमने ग्रेवी ली थी ये देखिए 200 ग्राम ग्रेवी में डाल दी, और काफी अच्छा लगता है इसमें से इसके साथ में। और अब हम पनीर डालेंगे, और करीब हमने 200 ग्राम पनीर लिया है, और हम 5-6 लोगों के लिए बना रहे हैं, 4 से 5 लोगों के लिए, और ये देखिए पनीर डाल दिया, इसको थोड़ी देर पकाएंगे पनीर के लिए, और थोड़ा सा चाट मसाले से खट्टापन और खट्टा तीखा दोनों मजा बहुत अच्छा लगता है खाने में, थोड़ा सा चाट मसाला डाला 1/2 टीस्पून। ये देखिए ग्रेट पनीर, और इसके अंदर थोड़ा सा ग्रेट पनीर डाल देंगे हम, और ग्रेट पनीर से ग्रेवी में बहुत टेस्ट आ जाता है, अच्छे से चारों तरफ मिल जाता है, और ये पनीर डाला, और थोड़ा सा बटर डालेंगे, और हमने 2 टीस्पून बटर डाला, बटर से बहुत अच्छा टेस्ट आता है, और आप चाहो तो डाल सकते हो बटर है तो ना, नहीं चाहो तो मत डालिए। और थोड़ी सी जो घर की मलाई दिखाई थी ये देखिए घर की मलाई डाली हमने ये, और हमने शक्कर डाली 1/2 टीस्पून, और चलिए रेडी। और आप लोग अब हम दिखाते गार्निशिंग करके, और हमारी सब्जी रेडी, इस तरीके से आप लोग भी रेडी कर सकते हैं पनीर कुकुम्बर एंड।
आप गार्निशिंग करके दिखाते आप लोगों के लिए। क्रीम डाल देंगे, देखिए इस तरीके से क्रीम। और हमारी पनीर एंड कोकुम्बर और ग्रेप्स की सब्जी रेडी, इस तरीके से आप लोग भी बना सकते हैं और काफी टेस्टी लगती है, जरूर ट्राई करना। और हमारी रेसिपी, चलिए हमें पनीर और ग्रेप्स ककड़ी की सब्जी रेडी, इस तरीके से आप लोग भी बना सकते हैं। और हमारी रेसिपी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना और शेयर कर देना। थैंक यू, धन्यवाद।